Hey guys, welcome new vlog को कॉल ड्रिंक ग्रेट। यहीं से मेरा कंटिन्यू दूसरा ब्लॉग हो रहा है। तो अभी हमें श्री कृष्ण के जो 68 बाजा है जहाँ पे मतलब बैठे 68 फोटो डिस्प्ले की हुई है वहाँ। श्री लक्ष्मी नारायण, श्री पन्ना नरसिंह, श्री नासिक 68 बैठक लिखा है, कुछ समथिंग पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। श्री पंठरपुरा डिस्प्ले किया है सारे। श्री विद्यानगर, श्री त्रिलोक भांजी, श्री तुतात्री पर्वत, श्री दर्शनी सूरत, श्री भरूच डिस्प्ले में लिखा है कि क्या 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 देख सकते हैं आप। गोपियाँ हैं, श्री कृष्ण भगवान जी है, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत श्री कृष्ण, इसमें कोई भी मतलब अलग से वो नहीं किया है, जो जैसा है वही रखा हुआ है। ऐसे मंदिर देखने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर कि मतलब हम पीछे जैसे सतयुग में क्या था, क्या नहीं, कैसे था, सारा कुछ डिस्प्ले किया। सुबह ये 14 विधाओं की कला दीर्घा गैलरी ऑफ नॉलेज, जो श्री कृष्ण ने 14 विधाओं की कला यहाँ पे दिखाई है। यह पुराण मीनासा तर्क लॉजिक मतलब कल्प निरूक्त ज्योतिष व्याकरण ब्राह्मण जो दर्शाया गया 14 विद्या कला छंद शास्त्र शिक्षा टेक्निक्स आयुर्वेद प्रथान मेडिसिन आयुर्वेदक जो भी मतलब डिस्प्ले किया हुआ है, ट्रीटमेंट जड़ी बूटियों से सारे, और एक आदमी सोया हुआ है उसको देने, संगीत प्रधान म्यूजिक म्यूजिक जो गा रहे हैं, इसमें यज्ञ प्रधान में यज्ञ चल रहा है, इंद्र सर प्रधान देवता, अग्नि प्रधान ये अग्नि देवता है और इंद्र भगवान जी, ये 14 यहाँ पे डिस्प्ले दिखाया हुआ है। ये जो है ना ये 6000 पुराना है, 6000 साल पुराना है यहाँ पे मंदिर, जो शिख साहब के दादी थी वो सब कुछ है यहाँ पे। सो गाइस ये है कृष्ण भगवान जहाँ पे पड़े थे भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला, अंदर अलाउ नहीं है फोटो वीडियो वगैरह। खैर पाप तो सारे लोग करते, कौन सा मैं यूनिक इंसान जो पाप करती हूँ। गाइस लोग हैं यहाँ पे और मैं कुछ कपड़े के लिए गई, मुझे लगा मैं इसी जो पहने हुए नहीं कपड़े के साथ जाऊँगी, गीले हुए तो धूप में सुखा दे तक। ये दो जोड़ा बहनों का नहा रहा है, श्री गणपति माता सती माता मंदिर तो दर्शन हमने कर लिया जब दे कम से कम मतलब मैक्सिमम ने 15 मिनट मैक्स मिनिमम कम से कम मिनिमम 15 मिनट हम वहीं पे खड़े रहे, क्योंकि हम सबसे लास्ट वाली लाइन से गए थे, वहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है। और दो तीन चार जो आगे लाइन होती है उसमें बहुत भीड़, वहाँ पे एक सेकंड लगाते कि चलो 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 ऐसा बोलते रहे। आज बहुत अच्छे दर्शन हुए, जाने का मन ही नहीं कर रहा था कि घर चले। सुबह बहुत ही अच्छे दर्शन हुए महाकाल के, और अब हम निकल रहे हैं सीधा घर।
बस वो सिद्धि माता के दर्शन करें फिर घर। सो गाइस यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे ना किन्नर खड़े हुए हैं, मैं जहाँ से एग्जिट पॉइंट होता है, और वहाँ पे ना छाता पकड़ने वाले अलग है और जो हाथ से तालीफ जाते हैं वो अलग रखे, देखो और वो सिर्फ पैसे ले रही, वहाँ क्या बिजनेस है बहुत ज़्यादा। नीचे ना गर्मी, पाँव जल रहे हैं, शुक्रिया सारा कुछ लगाया हुआ है, अब हम शूज पहनेंगे। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ हर सिद्धि मंदिर, आई एम देसी गुंडा, डरपो गुंडा। मौसम अभी सही हो रहा है, दिखती रहा है मुझे कैसी दिख रही है। सो गाइस अब आगे हम सिद्धि, हर सिद्धि माता मंदिर, और ये शक्ति एक शक्तिपीठ, कितनी शक्तिपीठ है उसमें से एक मानी जाती है हर सिद्धि माता मंदिर, उज्जैन के महाकाल के सामने ही है यहाँ पे, और अभी मैं इसके दर्शन कर रही हूँ। आज मैंने बहुत एक्सप्लोर कर दिया एक देर में, पहले मैं वहाँ पे जा काम के लिए आई थी, वहाँ पे गई, वहाँ पे भी मंदिर है, उसके बाद मंगलनाथ मंदिर, फिर स्वामी विवेकानंद आश्रम जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी सारी शिक्षा वगैरह ली हुई थी, और उसके बाद आए हम यहाँ पे महाकाल के मंदिर, फिर गए हमने, फिर उसके बाद गए थे हम रामघाट के बाद महाकाल के दर्शन किए, फिर महाकाल के बाद अब आ रहे हम हर सिद्धि माता मंदिर। बहुत अच्छा लगा आज, हर इधर जगह घूम के ना शांति मिल जाती है। ये यहाँ पे आरती होती शाम के टाइम, तो ये सारे इसमें दिए और तेल वगैरह डालते हैं, फिर दिए को जला के और आरती होती, बहुत प्यारी लगती है। मैंने देखी नहीं है, मैंने यूट्यूब में देखी थी, मतलब लाइव नहीं मैंने देखी कभी। सो गाइस दर्शन कर लिया और मेरा काम भी हो गया, अब जा रहे हैं हम घर। धूप बहुत ज़्यादा और भूख बहुत लगी, मैं बाहर का नहीं खाती हूँ और मुझे पसंद भी नहीं आएगी मैं बाहर खाऊँ, हाइजीनिक इसका मुझे कोई वो नहीं है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं घर जाके खाऊंगी। जूस वगैरह जो पीना तो पी लिया, फ्रूट लिए थे वो भी खा लिए, अब जा रहे सीधा घर जाऊँगी और रेस्ट करूँगी। सैटरडे और कल संडे, कल और भी रेस्ट तो सही है। हर सिद्धि माता के मंदिर के सिद्धि माता मंदिर आए तो उसमें भी दर्शन कर लिए, चलते हैं अब घर। होप एंजॉय दिस ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।